हमीरपुर में सीटू कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर के अलावा युवा नेता अनिल मनकोटिया, जोगिंदर सिंह भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर रोष व्यक्त किया गया। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का राशन सड़ रहा है, लेकिन सरकार बांटने में गुरेज कर रही है। उन्होंने मांग की है कि जुमलों से सरकार को चलाने का कोई हक नहीं है और सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है, जो कि निंदनीय है, और लोगों को श्रम कानूनों की आड़ में लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी की भयंकर स्थिति बन रही है, इसलिए सरकार बेरोजगारों को नौकरी मुहैया करवाए। साथ ही कोरोना के टेस्टिंग का प्रावधान नहीं है, इसे जल्द सरकार सुधारे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के आह्वान पर बीरपुर जिला में मजदूरों और आम जनता को लेकर जो समस्याएं हैं उनको लेकर प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार के लॉकडाउन के दौरान में जिस तरह से मजदूरों और किसानों पर हमला किया जा रहा है वो निंदनीय है। पूरे देश में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है। अभी लैंड एक्विजिशन एक्ट दोबारा से ले आया, जिसको वापस ले लिया गया था, और इस तरह से मजदूरों के ऊपर हमला किया जा रहा है। श्रम कानून बदल दिया, 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी कर दी। 14 करोड़ लोग जो है इस लॉकडाउन के दौरान में नौकरी से बाहर हो गए, कारखानों में नौकरी मिल नहीं रही है, बहुत भयंकर दशा है। और इसलिए हमारी मांग है कि 7,500 रुपया हर मजदूर के खाते में डालो, लोगों को नौकरी दो, और कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है वो नाकाफ़ी है। टेस्टिंग नहीं हो रही है, मेडिकल स्टाफ के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, किट्स नहीं है, कोई टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं है, और ICU वार्ड्स नहीं है। इस तरह का दशा है। लोग कोरोना के से तो मर ही रहे, भूख से भी लोग मर रहे हैं, सरकार अनाज नहीं बांट रही। हमारी मांग है कि हर आदमी को 10 किलो राशन जो है आप वितरित करो। गोदामों में राशन सड़ रहा है, गेहूँ सड़ रहा है, चावल सड़ रहे हैं, सरकार उसको बांट नहीं रही है। ये सरकार का नाकामी है, और हम मांग ये करते हैं कि सरकार को अगर ये सारे मसले को हल नहीं करते, इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है मोदी सरकार को। ये जुमलों से सरकार चलेगी नहीं, नारों से सरकार चलेगी नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोगों की नौकरी चलेगी, और इस तरह से सरकार जो है ये लोगों पर हमला कर रही है। इसको हम मजदूर जमात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और तमाम ऐसे लोग जो इस विचार से सहमत है कि सरकार को मजदूरों किसानों पर हमला नहीं करना चाहिए, हम सारे सरकार की इस नीति के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे।